नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। पुजारी हत्या प्रकरण से संत आहत। टिकैतनगर थाना के खामोली गांव में मंदिर के साधु हत्याकांड में भले अभी पुलिस टीमों को सफलता ना मिल सकी हो, लेकिन इसकी धमक रामनगरी अयोध्या तक पहुंच गई है। 6 अंतरजनपदीय लुटेरों को अवैध असलाहों के साथ किया गिरफ्तार। लूट की योजना बना रहे थे, पकड़े गए। लुटेरे जनपद व आसपास के जनपदों में लूट व टप्पेबाजी कर चुके हैं। पकड़े गए लुटेरों को वैधानिकता कार्यवाही कर पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया जेल। क्या नाम है चाचा? गोविंद सिंह। कहाँ रहते हैं? दयानगर बीसलपुर। ये जो आज एक्सीडेंट डंपर से हुआ है जी, ये आपकी कौन लगती है? बहू है, छोटे भाई। कैसे, क्या हुआ, कहाँ जा रही थी? ये मशीन बनवाने आ रही थी साहब। अच्छा, कौन सी सिलाई वाली मशीन? जी हाँ, सिलाई वाली। अच्छा। बनवाने आ रही थी, उसी से हो गया। कहाँ पर हुआ ये? अष्टू में, चौराहे से उधर थी, ग्रामीण बैंक के पास। जी ग्रामीण के चाहिए। कितनी उम्र होगी इसकी? और क्या, 30-32 साल की है। कितने बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं। कितनी, क्या दो लड़के हैं, 9-10 साल का है लड़का। अच्छा, फिर उससे छोटा? छोटा होगा वही 7 साल का। एक लड़की है? एक लड़की है। अच्छा, इसका आदमी क्या करता है? मजदूरी कर रहा है, वो काम पे ही गया, उनको तो मालूम भी नहीं था। अभी नहीं आए हुए? नहीं आए, उनको मालूम नहीं, काम पे गया, मजदूरी कर रहा है। अच्छा, चलिए ठीक। औरैया पुलिस व स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता। अंतर जनपदीय लूट करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। औरैया जिले के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अरसू कस्बे में एक डंपर ने महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के देवर ने बताया, डंपर गिट्टी से ओवरलोड भरा हुआ था। महिला सिलाई मशीन ठीक कराने के लिए घर से निकली थी। अरसू कस्बे में पैदल रोड क्रॉस करते समय डंपर की टक्कर लगने से महिला टायर के नीचे आ गई और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका अनीता देवी 32 वर्ष, पत्नी जगदीश निवासी दयानपुर दयानगर बीसलपुर की निवासनी थी। मृतका अनीता देवी के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मृतका का पति मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। भैया क्या नाम? क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं आप? दयानगर बीसलपुर। क्या मामला हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ये कौन है आपकी? भाभी है हमारी। भाभी है, तो काय से एक्सीडेंट हुआ इनका? डंपर से। ये काय से थी? पैदल थी जी। पैदल थी, तेज रफ्तार था डंपर? हाँ तेज रफ्तार डंपर था, पीछे से आके टक्कर मार। तो डंपर में कुछ भरा था? गिट्टी भरी है। गिट्टी ओवरलोड था? हाँ ओवरलोड है। अच्छा, तो इनकी घटना स्थल पे मौत हो गई, अस्पताल? हाँ, पे खत्म हो गई है। अस्पताल लाए तो डॉक्टरों ने यहाँ मृत घोषित कर दिया? नहीं, अस्पताल आ भी नहीं पाई, वही खत्म हो गई। पेट पे वो डंपर टायर चढ़ गया पीछे वाला। औरैया जिले के अटसू कस्बे में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। ओवरलोड गिट्टी लदे डंपर से कुचलकर महिला की हुई मौके पर मौत। अयोध्या पपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने बाराबंकी की पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए दिवंगत साधु के नाम गुरुकुल खोले जाने की मांग की है। बता दें, कोतवाली रामसनेही घाट के बुढ़ेरी गाँव निवासी पुजारी सुरेश चौहान की अज्ञात हथियारों ने मंदिर परिसर में धारदार औजार से निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक ने मामले का जल्द खुलासा करने के लिए 3 टीमें गठित की हैं, लेकिन हत्या के कारणों का अभी सुराग नहीं लग सका है। लोगों की माने तो हत्या की वजह संपत्ति और पारिवारिक मामलों से अलग है। बाराबंकी जिले में टिकैत नगर थाना के अंतर्गत खमौली ग्राम में एक पुजारी की जिस तरह से निर्मम और नृशंस हत्या की गई, जो बेहद दुखद हृदय विदारक है। बाराबंकी जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि जो भी दोषी हों उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस तरह की घटनाएं तब होती हैं जब पुलिस अपराधियों को संरक्षण देती है और पुलिस का अपराधियों से तालमेल होता है। अगर पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, तो इस तरह की घटना लोग सोच भी नहीं पाएंगे। और बाराबंकी जिला प्रशासन से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आचार पीठ तपस्वी छावनी रामघाट अयोध्या से ये भी मांग करता हूँ कि उन पुजारी जी के नाम पर जिला प्रशासन के तरफ से एक विशाल गुरुकुल की स्थापना हो, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इस तरह की घटनाएं दोबारा इनकी जो है पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए बाराबंकी जिला प्रशासन हर संभव प्रयास करे। यह घटना जो है हृदय को झकझोर देने वाली है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं बजरंग दल खजूरी के स्वयंसेवकों ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं बजरंग दल खजूरी के स्वयंसेवकों द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के कर्मठ लोगों का सम्मान कर दुपट्टा उड़ाकर पुष्प वर्षा कर श्रीफल भेंट किया। संघ के स्वयंसेवक गोपाल सोनी ने बताया कि संघ के स्वयंसेवकों द्वारा खजूरी पंचायत क्षेत्र में कोरोना से लड़ाई में आगे रहने वाले सभी कोरोना फाइटर्स का सम्मान किया गया, जिसमें प्रशासन, अस्पताल, बैंक कर्मी, डाकघर कर्मी, पंचायत क्षेत्र के सभी विद्यालयों के कर्मचारियों, मीडिया कर्मी, डेयरी एवं मेडिकल स्टोर संचालक तथा सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान संघ एवं बजरंग दल के रामभवर पांचाल, कमलेश तेली, विशाल पारिक, राहुल पारिक, आर्यन पारिक, रितेश पारिक, सत्यनारायण छीपा, प्रेम शंकर मीणा, तेजेंद्र पारिक आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके में जहरीली शराब पीने से आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई और कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने संबंधित दुकान जहां से शराब बेची गई थी उसके सैंपल लेकर सील कर दिया गया है, साथ ही अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या वजह निकल के आ रही है शराब की, क्या है? देखिए, इसके लिए हम लोग पूरा पुलिस और प्रशासन आ गए हैं। दुकान की सैंपलिंग कर ली गई है और इसकी जो पौए वहाँ पे मिले हैं, आधे यूज के कुछ पौए मिले हैं और दुकान के अंदर तो सैंपलिंग करके सील कर दी गई है। इस लाइसेंसी की बता रहे हैं कि एक दुकान और भी है यहाँ से, एक अंडला करके 2 किलोमीटर दूर एक गांव है अंडला, वहाँ भी एक दुकान है, उसको भी हम लोगों ने सील कर दिया। चेक करके उनके वो नमूने ले लिए गए। अगर दुकान का केस होगा तो उसमें अनुज्ञापी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और जी सर, डेथ क्लियर हुई है आपकी नज़र में? हाँ, कितने हो गए? 3 डेथ तो मेरे आगे, 3 सर अभी एक और हो गई है। अच्छा, जी हो गया। अभी जब मैं आया था तो सरकारी ठेके थे और लोगों का आरोप है कि यहाँ से देसी शराब ली जा रही थी, तो ये सभी शराब जो थी जहरीली शराब थी, तो ये शराब कहाँ से आई? एक मिनट, मैं यही बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, यही जांच का विषय है। इसलिए ही वो पौए अभी हम लोगों ने जो शराब है गांव से भी कलेक्ट की है और ठेके से भी कलेक्ट की है, दूसरे ठेके से भी कलेक्ट किया, जो उसका दूसरा ठेका बताया जा रहा है वहाँ से भी कलेक्ट किया। मृतकों के घर से भी शराब की पौए बरामद हुए सर? हाँ, वो हम लोगों ने ले लिए और उसको हम विधि प्रयोगशाला या जांच के लिए उसे भेजेंगे। राणा प्रेसिडेंट डीओ साहब ये बताइए, टोटल घटना में कितने लोगों की कैजुअल्टी और कितने लोग गंभीर हैं इस समय? 3 लोगों की अभी कैजुअल्टी का तो कन्फर्मेशन हूँ, हम लोग यहाँ से हैं। अच्छा, अब वो हो गई होगी, हम लोग पुष्टि कर लें तब बताते हैं आपको। और 2 लोगों को अभी एम्बुलेंस लेके गई थी। डीएम साहब ने 7 लोगों का है, आप कह रहे हो 3 लोगों की थी? नहीं, अभी डीएम साहब वहाँ शहर में है, हो सकता है जो अभी घायल हो उनको और जानकारी अपडेट हो। मैं तब से यहीं हूँ गांव में, मैं अपनी जानकारी में नहीं है अभी। मैं आपके सामने एसपी सिटी साहब भी यहीं थे, मैं भी थे, दोनों लोगों ने अभी जो गांव से जो सूचना ली है वो अभी टीम की है। ओनर कौन है सर, ओनर के खिलाफ क्या कर किस तरह की कार्रवाई की? ये ओनर लोधा थाने का रहने वाला है, दिकपाल सिंह बता रहे हैं, इसका ओनर लोधा थाने का रहने वाला है। इसको अगर ये शराब गलत है या इसके नमूने फेल होते हैं और इसकी पुष्टि हो जाती है तो इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, धारा 60A के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मृत्युदंड तक का प्राविधान है। थैंक यू। देखिए, आज प्रातः काल में पुलिस को सूचना दी गई कि करसुआ गाँव जो है वहाँ पर जो IOCL का प्लांट है उस जगह पर 2 व्यक्ति की डेड बॉडी मिली। पुलिस यहाँ तत्काल आई तो वहाँ पता चला कि ये शराब पीने से ये मौत हुई है। उसके बाद जब गांव से पता चला कि 3 और लोगों की गांव में भी मौत हुई, उसके बाद पुलिस ने जब आसपास पता किया, यहाँ पर कलेक्टर और SSP सभी लोग आए और यहाँ जब पता किया तो ये पता चला कि यहाँ पर एक शॉप थी जिससे कि जो सरकारी दुकान थी ठेके की, वहाँ से लोगों ने शराब खरीदी थी और उस शराब को पीने से इन लोगों की मौत हो गई। अभी तक जो सूचना आई है कि जो अपमिश्रित जो शराब है उसके पीने से 8 व्यक्ति की मौत की अभी तक की सूचना आई है और 2 से 3 व्यक्ति के डायलिसिस जो है वहां पर इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस की ऑलरेडी टीम SSP के नेतृत्व में खुद बनी हुई है और उसमें जो इसका ऑनर था यहाँ का, इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर जो यहाँ शराब देने वाला जो ठेकेदार था जिसके दुकान से शराब खरीदी गई सरकारी ठेके से, उसको कहाँ से सप्लाई हुआ, इस चेन को भी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इस पर पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और जल्दी ही इस पर कार्रवाई होगी। जो इनके नमूने थे जो गांव में जो लोगों से मिले, जो लोग शराब पिए थे और जो नमूने यहाँ पर जिस दुकान में जहाँ से ये सेल्स हो रहा था, इन दोनों नमूनों को ले लिया गया है और उनको केमिकल टेस्ट के लिए लैब में हम लोग भेज रहे हैं। सर, इस तरह का लोधा पे जो अंडला पे ठेका है वो मार्च में ही खत्म हो गया था,
उसके बावजूद वो बेच रहा है शराब। मैंने आपसे कहा कि इन सभी चीज़ों की वो एक्साइज डिपार्टमेंट जो ठेका देता है वो उसकी जांच करेगा, और जो जो अपमिश्रित शराब की बात है इस पर पुलिस विभाग के द्वारा सख्त से सख्त हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो हमारे द्वारा की जाए। मृतकों में सर कहाँ कहाँ के लोग हैं? अभी तक जो पता चला है जिस गांव में हम लोग हैं इस गांव के मृतक हैं, इसके अलावा एक गांव बगल में खैर थाने का अंडला है वहां के बारे में पता चला है, बाकी चीज़ें जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप लोगों के साथ। किसी को हिरासत में लिया गया है सर अभी? किसी हाँ अभी लोगों से पूछताछ के लिए हिरासत में लोगों को लिया गया है। सिर्फ पांच लोगों की, मैं रोहित प्रधान से बात करके आ रहा हूँ, दो ट्रक ड्राइवर की डेथ हुई है और तीन आदमी की डेथ हुई है, और आस पड़ोस के एक गांव की और बताई गई है उसकी भी पुष्टि हम करा रहे हैं, बाकी मंडला में कोई नहीं है, एक एक डेथ की बात है और उसकी पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा कुछ। टोटल कितनी डेथ है? टोटल हमारे जो संज्ञान में है छः और एक सात जो है, हमारे साथ है जिसमें अभी कोई पुष्टि बिना पोस्टमार्टम से नहीं हो सकती, सिर्फ परसुआ और एक ही ठेकेदार का की दुकानें दोनों थी, जो अंडला में भी थी उसकी दुकान और परसुआ में भी एक ही व्यक्ति की थी, जिसमें संदेह हो रहा है तो इसको दोनों दुकानों को सील करके सैंपल लेकर। क्या वजह बताई जा रही है सर? अब वजह तो जाँच के बाद पता चलेगा कि शराब जहरीली थी, क्या दिक्कत थी, जो भी है जाँच का विषय है, वो पूरी जाँच करी जा रही है।